नमामि धन्वन्तरि देवं सुरासुरैः वन्दित पाद पद्मं लोके जरार भय मृत्युनाशं दातार भीषं विविधौषधीनां शंखं चक्रं चलोकां दधतं मृतघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीता प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग सुबह का जो सेशन है वह शुरू करते हैं। मुझे कृपया श्लोक नंबर बता दीजिए, कौन सा श्लोक चल रहा है, किसी को याद है कौन सा श्लोक चल रहा है? अच्छा, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद, क्योंकि मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। देखिए, अनम्यूट हो पा रहे हैं आप लोग? हो रहे आठवां हैं। श्लोक। हाँ, श्लोक नंबर कौन सा? नौवां श्लोक। 9th। अच्छा, तो आज जोशी सर तो नहीं है, तो सबसे पहले वंदना मैम शुरू करेंगी, विरेचन विधि। जी भाई जी। जी मैम। यद्येतेन सदोष, मैं शुरू करूं सर? हाँ, आप ही करिए ना। यद्येतेन सदोषत्वा त्वक कर्मणा न प्रशाम्यति मधुभि स्नेह हंस युक्ते वेशे जस्तम विशोधये। यदि स्नेहन स्वेदन चिकित्सा से मल दोष के कारण वात रोग शांत न हो रहा हो तो मृदु विरेचक औषधों से स्नेह मिलाकर उसके प्रयोग से इसके उदर की शुद्धि करा देनी चाहिए। जी, यहाँ पे देखिए पित्त भी है, कफ दोष भी है साथ में अनुबंध से, और वायु जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अमलतास जैसे और स्नेह मिश्रित औषधियां हैं जो वायु का शमन भी करती हैं, और विरेचन देना है कि जो मूढ़ वायु है, ऐसा वायु जो अटका हुआ है उसको विरेचन देके पूरे अच्छे से निकाल देना है, ऐसा बताया। जी, जैसे उन्होंने चरक में बोला, यद्येनेन सदोषत्वात् कर्मणा न प्रशाम्यति मधुभि स्नेह हंस युक्ते रोचदस्त विशोधयेत्। यानी यदि वात व्याधि रोग अधिक दोष के कारण इन उपयुक्त चिकित्सा विधियों के प्रयोग करने से भी शांत न हो पाए तो रोगी को स्नेह के साथ थोड़ा सा स्नेह के साथ मृदु विरेचक औषधियों द्वारा, जैसे हमने अमलतास का काढ़ा बनाया और उसमें थोड़ा सा स्नेह मिला दिया, चाहे अरंडी हो क्यों ना हो। तात्पर्य यह है कि ऊपर केवल शुद्ध वायु अर्थात जिस वायु के ऊपर किसी प्रकार का आवरण ना हो उसकी चिकित्सा बताई गई है, पर यदि वायु में दोष की अधिकता हो अर्थात उसके ऊपर आवरण हो तो इन उपर्युक्त क्रियाओं से शांति नहीं होती। तब उससे शांति ना हो तो दोषों को निकालने के लिए यह मृदु रेचक औषधियों से सिद्ध घृत या तेल रोगी को पिलाकर दोषों का शोधन करना चाहिए। तो हम लोग यूजुअली जो प्रैक्टिकली अमलतास में जो मृदु विरेचक है उसमें थोड़ा सा एरंड का तेल मिला के दे देते हैं, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो ये मृदु रेचक औषधियां हैं उनसे घृत या तेल को सिद्ध करके रोगी को
स्नेह स्वेदन के बाद पिला दें तो रोगी को आराम होता है। और अभी जैसे मैंने परसों सर केस एक डिस्कस किया था कि स्नेह स्वेदन कराया उसको, परंतु उसके बाद उसको मुझे थोड़ा सा नित्य विरेचन ही देना पड़ा, और थोड़ा अभ्यांतर तो दिया लेकिन बस्ती भी दी उसकी, एरंड की नाभि पूरण भी किया, जरा की अवस्था थी उसकी हालांकि। तो इस तरीके से वो पेशेंट को बहुत आराम आया, वो मुड़ी हुई पेशेंट सीधी चलने लगी और बहुत खुश हो गई। जी वैज जी बहुत बढ़िया बताया आपने, एग्जाम्पल के साथ ये चीज बता दी आपने। तो जी वंदना मैम, आप कितनी अच्छी डॉक्टर हैं और इतना अच्छा पढ़ाई भी करती है, तो 9th नंबर का टीका भी आप ही पढ़ दीजिए। जी वैज अनेन कर्मणा अनेन कर्मणा चेन्न प्रशाम्यति वातामय स्तदा तवातामयन मृदु मृदु भी द्रव्य कर्णिकार दिभि लेहान तय विर्षो दहेत। इसका मीनिंग हाँ, आप बता दीजिए वैज। इसका मतलब है कि अनेन कर्मणा मतलब ऐसे कर्मों के साथ अगर वायु नहीं शांत होता है, जो पहले कर्म बताए कि क्या क्या करना है, तब वात के साथ में पित्त और कफ भी है, तो इसमें हमें मृदु भी द्रव्य मतलब जो भी हमारे द्रव्य हैं विरेचन करने वाले, वो मृदु द्रव्य जैसे कर्णिका आदि जो है आरगवत वगैरह, उसको स्नेह युक्त देके विरेचन कराएं, और विशोधित शुद्धि करना है शरीर को, और पूरा वायु जो अटका हुआ है उस सबको क्लीन करना है। जी अभी 10th नंबर का श्लोक, सबसे इंटेलिजेंट जो भी इंसान है वो पढ़ेंगे। कौन है सबसे इंटेलिजेंट यहाँ पर? अनम्यूट करिए, पढ़िए, अपना ही तो है, पूरा अष्टांग हृदय हमारे लिए ही बना के दिया है ऋषि मुनि लोगों ने। हाँ प्रणाम पढ़िए मैम। सर। प्रणाम सभी। धृतम तिलवक सिद्धम वा सातला सिद्धमेव वा पयस एरंड तैलम वा पिवेद दोष हरम शिवम। तिलवक से सिद्ध या सातला शिकाकाई से सिद्ध घृत को पिलाएं, दूध के साथ एरंड तेल को पिएं, ये सब दोष को निकालने वाले और कल्याणकारी हैं। जी तो यहाँ पर देखिए, तिलवक जो है वो बहुत ही अच्छा विरेचन करने में अच्छा रहता है, या शिकाकाई सातला, इसको घृत ऐसे सिद्ध घृत जो है, तिलवक घृत या शिकाकाई से सातला सिद्ध घृत, या दूध के साथ एरंड तेल को पीना है, ये सभी दोष को निकालने वाले कल्याण करिए। जितने भी आपके पास वात रोगी आते हैं ना, जहाँ पे निरुपस्तंभित वात व्याधि है, उपस्तंभ नहीं है मतलब आम वात जैसी नहीं है, नॉर्मल है, तो उसमें हमें ये विरेचन कराना चाहिए वायु को अनुलोमित करने के लिए। सर तिलवक यानी तिल होता है क्या कि कुछ नहीं और है नहीं सर? नहीं नहीं, तिलवक एक अलग वनस्पति होती है, तिल जी सर। कभी भी विरेचन नहीं करता, और तिलवक अलग चीज होती है। लोध्र तिलवक यानी लोध्र। ओ लोध्र उशीर नहीं चंदक लोध्र। लोद्र भी नहीं, लोद्र अलग होता है, लोद्र विरेचन नहीं करते हैं। जी सर। जी ठीक है, इसका टीका पढ़ना है। वर्षा मैम आप पढ़िए, तिलवकेन पक्वस, यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, पढ़िए मैम। तिलवकेन पक्व जी यस सर। तिलवकेन पक्व सातलया वा पक्व शीरेण वा एरंड तेल पिवेत तच्च पीत दोष हर शिव च स्यात्। इसका मतलब है कि ये तिल्व, ननु तिमिर हाँ अनुलोमनम क्रियते इत्याह। इसका मतलब यह है कि तिल्वकेन, तृतीय एकवचन, राम रामे ऐसे बोलते हैं तो रामेण सा, तो तिल्वकेन, तिल्वके के साथ में पकाए हुआ जो ये है घृत है या शीर है ये लेना है, या सातलाया, यहाँ पर भी स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति है, तो इससे पकाए हुआ शीर लें, या फिर एरंड तेल लें, या फिर घृत लें, जो भी स्नेह है वो देना है। तच पीत दोषहर, वो पीने से दोषों की शुद्धि होती है, शिव च स्यात् वो कल्याणकारी होता है। फिर बोल रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, ननु किम इत्यनुलोमनम क्रियते, इसके बाद और क्या चीज से अनुलोमन करते हैं और ये अनुलोमन क्यों करते हैं, उसका क्या उद्देश्य है, तो इतिया इसका आंसर आगे देंगे।
सर ये जो सातला स्नूही होता है सर, ये तो पॉइजनस होगा ना, कुष्ठ में इसका दूध यूज करते सातला हैं भी नहीं होता है, सातला अलग चीज होता है, स्नूही अलग होता है, जी सर। और स्नूही पॉइजनस नहीं होता है, वो क्षार होता है, उतना नहीं जी सर, होता, हम लोग देते हैं स्नूही सिद्ध शिका। सातला शिकाकाई को कहा है सर। हाँ स्नूही जिन्होंने लिखा है वो गलत लिखा है चैट बॉक्स में। ठीक सर है, दीपक शीशम या लोद्र क्या है ये? लोद्र नहीं है, वो हिंदी ट्रांसलेशन में गलत लिखा है, तिलवक अलग वनस्पति होती है, लोद्र अलग वनस्पति होती तो आदित्य सर मैं भैषज रत्नावली से, मैं उसमें से भाव प्रकाश से मैं देख के आपको पूरा क्लियर करके ले दूंगी, है। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी कोशिश करती हूँ, अभी उठा के लाती हूँ। देखिए वंदना मैम हर ग्रंथ पढ़ पढ़ के, ये मैम कहीं पर भी जाती है तो सारे ग्रंथ साथ में जाता है और मैम अरे पढ़ती है। वरना मैम यज्ञ मत छोड़िए आप, अभी यहीं पे रहिए ना। अच्छा बाद में अभी मैं, मैं फिर पढ़ती हूँ, उसके बाद डालती हूँ। हाँ चलिए 11 नंबर का जो श्लोक है ये पढ़ते हैं। सबसे इंटेलिजेंट कौन है? कोई नए आए हैं, कोई सुचिता साहनी मैम है कोई, तो आप अगर आई हैं कोई तो कृपया आप पढ़ दीजिए ना। और आप कौन नमस्ते है, सर। आप अपने बारे में बताइए प्लीज मैम। नमस्ते सर, मैं पंचकुला से हूँ, और अभी सर आपका देख देख के अब मैंने ना शाम को ज्वाइन किया हुआ है शिल्पा मैम का, मुझे अच्छा 2-3 महीने हुए हैं। और पहले सर मैं ऑब्स की प्रैक्टिस करती थी, ज्यादातर मेरे पास यहाँ लेबर क्लास पेशेंट आते थे, नॉर्मल डिलीवरीज वगैरह करती थी मैं। अब सब मैंने छोड़ दिया, अब मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में हूँ, अभी शुरुआत में हूँ और शुरू से अब मैं पढ़ रही हूँ। ये वाला सुबह सुबह का सेशन मैं कभी कभी मोबाइल पे कर लेती हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरे बच्चे ने जाना होता है स्कूल, खाना वगैरह बनाने का टाइम होता है, आजकल छुट्टियां हैं तो मैंने सोचा चलो एक रूटीन बनाती हूँ सुबह का। तो आपके उधर वैद्य अखिलेश अग्रवाल सर हैं क्या? सर पंचकुला में हाँ मैं नहीं जानती सर, यदि ठीक, किसी सेक्टर में हो तो आप वो मुझे बता आयुष दीजिए उनके। दर्पण पे आते थे हमेशा पहले, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। चलिए आप ये 11 नंबर का श्लोक मैम पढ़ेंगी क्या? हाँ जी सर। निग्ध जी अमल लमणोष्ण एद्य आहारहि मल श्रितः स्रोतो बद्वा अनिलम रुंध्या तस्मात् अनुलोमयेत्। हाँ पढ़िए, अर्थ पढ़िए, हिंदी पढ़िए। तो इसमें स्निग्ध अमल सर, मेरे पास ना बुक है, बुक में से पढ़ लूं मैं? अम्ल पढ़िए, अमल ने बोला है, अम्ल बोला है, अम्ल। स्निग्ध हाँ अम्ल लमणोष्ण आहारे मलश्विता स्निग्ध घी तथा तेलयुक्त अम्ल नमकीन उष्ण वीर्य तथा गर्म गर्म आहारों का सेवन करने से भी मल का संचय हो जाता है। यह संचित मल स्रोतों को रोककर अपान वायु को भी रोक देता है, अतः वायु का अनुलोमन करने के लिए रोगी को विरेचन कराना चाहिए। जी, अभी क्या है, पूरा मल अंदर से चिपका हुआ है। मेरे पास एक पेशेंट अभी चल रही है, वो बंगाल से हैं, कोलकाता से, तो उनके पूरे बॉडी में, एक तो पहले एमेनोरिया का हिस्ट्री है और 6-7 साल से, और दूसरा है ना कि उनको पूरे बॉडी में स्वेलिंग आया था, स्वेलिंग और कोष्ठबद्धता थी। तो एमेनोरिया भी है, मेंसेस नहीं आ रहे, अपान वायु की दुष्टि है। दूसरा उनके कॉन्स्टिपेशन हमेशा रहता था, और फिर वो कुछ ना कुछ ऐसे अनुलोमन करने वाला जो चूर्ण वगैरह है वो ले रही थी। तो मैंने उनको दीपन पाचन कराया और वायु का अनुलोमन करने के लिए पूरा मेडिसिन दिया। जैसे जैसे अनुलोमन हो रहा है, पेट साफ हो रहा है, स्रोत खुल रहे हैं, वैसे वैसे स्वेलिंग उतर गया है। तो अभी 1 महीने में, 1 महीना नहीं, 24 डेज में 80% स्वेलिंग कम हो गया है। तो ये मल जो है, जो जमा हुआ रहता है, ये निकालना कितना जरूरी है। इसलिए खाने में स्निग्ध, अम्ल, लवण, उष्ण, ये चीजें हैं। तो ये स्निग्ध चीजें स्नेहन करती हैं, अम्ल जो है दीपन पाचन करते हैं, लवण जो है वो विषयंदी है, जितने भी स्रोतस में दोष जमा है उसको पिघला देता है लवण, और उष्ण जो है वह वायु का शमन भी करता है, और उष्ण जो है वो अग्नि लेवल पे काम करता है। ऐसे आहार देना है तो जो संचित हुआ मल है स्रोतस में बंद करके वायु को रोक देते हैं, तो वो अनुलोमन होते जाते हैं ऐसे द्रव्य। जी साहनी मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, अभी आप टीका पढ़ दीजिए प्लीज, 11 नंबर का श्लोक का, यस्मात ऐसे वाला पढ़िए। यस्मात् स्निग्धादि भी आहारे
मला संचिता स्रोतांसी रुद्ध्वा वायु रुंध्यात तस्मात मारुतः अनुलोमयेत। उल्टा पुल्टा मत पढ़िए। अगर आपने पढ़ा मलश्चित, मल संचिता नहीं बोलना है, मलश्चित और तस्मान मारुतम अनुलोमियत, मारुता नहीं है, मारुतम अनुलोमियत ऐसे। तस्मात मारुतम अनुलोमयेत। हाँ इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि इसमें, यस्मात मतलब इसमें, स्निग्ध आदि, स्निग्ध आदि में मतलब क्या है, स्निग्ध अम्ल लवण उष्ण ऐसे आहार लेना है जो मल जो है वो स्रोतसों में रुद्ध्वा, मल जो है रुका हुआ है, रुकावट है, और ये वायु को भी रोक रहा है। अगर कोई पाइप में कुछ चीज कचरा जमा है तो वायु को जाने नहीं देगा, वैसे ही यहाँ पे स्रोतसों में सब मल जमा है तो वायु को रोक रहा है, इसलिए वायु का अनुलोमन करने के लिए ऐसे आहार देना है, स्निग्ध देना है, अम्ल लवण उष्ण ऐसे देना है, ये वायु का अनुलोमन करने के लिए ऐसे आहार देना है। बहुत अच्छा पढ़ा मैम आपने। अब 12 और 13 नंबर का जो श्लोक है ये संथा देके पढ़ना है। सविता पेठे मैम आप पढ़िए प्लीज, आपके पीछे। सर, स्निग्ध स्निग्ध अम्ल लवण उष्ण, ये तो वो है ना, अभिसंधि है ना। किसने बोला? अच्छा, ये एक साथ देना ऐसी चीजें, मतलब कि क्लियर करने के लिए, स्नेह देने के लिए, वो निकाल देगा सर आप वायु। अभिसंधि क्या चीज बोल रहे हैं? जैसे स्निग्ध, आप खाने में हम घी देते ही हैं, जी सर, स्निग्ध उष्ण देते ही हैं दीपन पाचन के लिए, अम्ल देते हैं जैसे हम लोग आंवला देते हैं या दाढ़ी दाढ़ी मष्टक चूर्ण देते हैं, उसमें अनार रहता है, समझ गया कौन से द्रव्य दे समझ रहे हैं उस चीज का, उस पर डिपेंड करता है। अभी हर अभी दही भी है, उष्ण है अम्ल, लेकिन वो दही अभिसंधि है, हम कौन सा मेडिसिन कौन सा आहार दे रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। हाँ 12 और 13 नंबर का जो श्लोक है संथा देके पढ़िए मैम। सविता पेठे मैम पढ़ेंगी क्या? हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ सब लोग मैम के पीछे पीछे बोलिए प्लीज। दीपन पाचन निर्वाण। सविता मैम आप चश्मा पहन रही हैं, सविता मैम का आवाज किसी को आ रहा है क्या? हाँ, कुछ नेटवर्क का अरे प्रॉब्लम है सर मेरा। तो कोई और पढ़िए, संथा देके पढ़िए प्लीज। पढ़ू सर। हाँ आप पढ़िए, संथा देके पढ़िए। दुर्बलो यो विरेच्य स्यात् तं निरुह्युपचारयेत्। बोलिए सब लोग। दुर्बलो यो अविरेच्य दुर्बलो यो विरेच्य स्यात् तं निरुह्युपचारयेत्। निरुपाचरे दीपनैः पाचनैः वा भोज्यैः वा तैः नरम दीपनैः तद्युतेर नरम ऐसे पाचनैः बोलिए, पाचन तद्युतेर वा नरम, भोजनैः वा तद् तैहि नरम तद्युतैहि तै नहीं तद्युतैहि नरम, तद्युतैहि नरम तद्युतैहि नरम दीपनैः जी। पाचनैः भोजनैः वा भोजनैः वा वा तद्युतैहि नरम संशुद्धोत्थिते चाग्नौ स्नेहस्वेदो पुनर्हितौ। पढ़िए, पुनर्हितो अर्थ पढ़िए मैम बिना मैम। जो रोगी दुर्बल होने के कारण विरेचन के योग्य न हो उसकी चिकित्सा निरोह से करें। ये निरोह दीपन पाचन गुण वाले होने चाहिए अथवा दीपक पाचक दीपन पाचन द्रव्यों से युक्त भोजन उस रोगी को देवे। शोधन होने से अग्नि के प्रदीप्त होने पर फिर स्नेहन और स्वेदन देना उत्तम है। जी अभी आप लोगों ने देखा होगा वीना मैम का हिंदी कितना अच्छा हो गया है, मैम को हिंदी बोलने में कितना तकलीफ होता था, तो ये कितना अच्छा हो गया। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि रोगी दुर्बल है और हम विरेचन के लिए सातला दे रहे हैं, हम वहां पे तिलवक दे रहे हैं या कोई भी विरेचन वाले द्रव्य दे रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा कमजोर है, विरेचन के वेग को सह नहीं पाएगा, तो हम कैसे करें, उसका कोष्ठ शुद्धि करना है तो हम निरुभ बस्ती, काढ़े का बस्ती देंगे। तो ये ऐसा निरु होना चाहिए जो दीपन और पाचन वाला हो, तो अगर हम लोग को देना है निरु तो हम ऐसे द्रव्य सेलेक्ट करें, उसमें ऐसे द्रव्य डालें जो अग्नि प्रदीप, जैसे थोड़ा सा हमने सेंधा नमक डाल दिया, थोड़ा सा हमने दीपन पाचन के लिए
और क्या, एरंड मुलादी बस्ती दे दिया, जो दीपन भी करे, पाचन भी करे, वायु का भी शमन करे, ऐसे वाले चाहिए। और दीपन पाचन द्रव्य से युक्त तो भोजन भी देना है। अब द्रव्य सेलेक्ट हमको करना है, वो एक गाइडलाइन दे रहे कि क्या क्या है, तो इस पे और पढ़ाई करना चाहिए कि कौन से दीपन पाचन द्रव्य है जो निरूप के रूप में दिया जाए तो अग्नि को अच्छा करते हैं। और खाने में तो हम मालूम है कि दाढ़ी माष्टक चूर्ण, अजमोदादी चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, और हम निरू में भी वो डाल सकते हैं थोड़ा दाढ़ी माष्टक चूर्ण वगैरह। और शोधन जब हो जाता है, अग्नि प्रदीप्त हो जाता है क्योंकि दीपन पाचन वाले द्रव्य से ही निरू दिया है, तब स्नेहन स्वेदन देना उत्तम रहता है, ऐसा बताया। अभी 12 और 13 नंबर का जो श्लोक है इसकी टीका पढ़िए। यो नरो दुर्बलो, जी केवल एक ही निरू देंगे या हम लोग पूरी वस्तु कंडीशन के हिसाब का से एक दिन में पेट साफ हो रहा है क्या, वो देखेंगे। पेशेंट का कंडीशन के हिसाब से हर चिकित्सा को युक्ति पूर्वक करना है। और ये भी नहीं है कि रोज निरू देंगे, रोज निरू देंगे तो ज्वाइंट पेन शुरू हो जाएगा, वात का प्रकोप होगा। एक निरू दे दी, उसके साथ एक मात्रा दे दिया, एक हाँ निरू अनुवाचन ऐसे करके प्लान कर सकते। कंडीशन के हिसाब, अगर क्रूर कोष्ठी है तो एक दिन में तो होगा नहीं उसका, तो उसको कभी हमें मतलब अनुवासन देके फिर निरू देना पड़ेगा। सर कभी कभी एक बस्ती से भी मतलब वायु का अनुलोमन हो जाता है, जैसे जैसे अस्पतालों में एनिमा देके कोष्ठ को क्लियर कर देते हैं, एक ही दिन करते बराबर हैं, तो जी, ऐसे निरु एक ही बार देके मतलब अनुलोमन हो जाए, उसके बाद फिर हम अपना चिकित्सा करते रहे आराम से। कितनी बार तो मेरे प्रैक्टिस में एमेनोरिया के पेशेंट थी और उनको ये क्रूर कोष्ठ भी था, पेट साफ नहीं हो रहा था, एक निरू दिया, निरू से पेट साफ हुआ और मेंसेस शुरू हो गया। कितनी बार ऐसा होता है। चलिए मैम, वीना मैम आप पढ़िए ये 12 13 का टीका। यो नरो दुर्बलो विरेचना विरेचन आना हो भवे त नरम निरुहि उपचारये किं भूतै दीपनै पाचनैश्च अथवा तद्युतैः दीपनीय पाचनीययुतैः भोज्यैः रूपमाचरेत् अनन्तरं सम्यक्षु शुद्धस्य वह्नौ चेतित्ते सति पुनरपि स्नेहस्वेदो हितौ। आप ना संधि विच्छेद थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ कर रही हैं। अभी जैसे कि सेकंड लास्ट लाइन में है भोज्य रूपाचरित, आपने बोला भोज्य रूपम आचरित, ऐसे नहीं, भोज्य रूपाचरित, भोज्य ही रूपमाचर उपाचरित, रूपम तजुषो आचर रू, भोज्य हाँ संधि ही उपाचरित, उपाचरित। हाँ विसर्ग संधि है सजुषो रू। हाँ, और दूसरा है यहाँ आपने पढ़ा च अनंतरम सम्यक उत्थिते, च उत्थिते लास्ट लाइन में, च उत्थिते और उ का ओ, हाँ च उत्थिते। चलिए चौथी हाँ ये बोल रहे हैं कि यो नरो दुर्बलो, जो इंसान दुर्बल है, जो विरेचन के लिए अनर्ह है, मतलब वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तम त नरम उस इंसान को निरुहे उपाचरित, निरु दे के उपचार करना है। किम भूते, कैसे द्रव्यों से निरु देना है, दीप नहीं पाच नहीं ही च, दीपन और पाचन द्रव्यों से निरू देना है, अथवा या फिर तद्युते उन लोगों को दीपनीय पाचने युते, दीपने पाचन भोज्य उपाचरित, खाने में देना है दीपन पाचन, अनंतरम उसके बाद में सम्यक शुद्ध से वहनो, जब सम्यक शुद्धि हो जाती है और दीपन पाचन हमने द्रव्य दिया है ऊपर से या निरू में, तब क्या करना है कि वहनो च उत्थिते, जब अग्नि प्रदीप्त हो गई है तब पुनः अपि उसके बाद में स्नेह और स्नेहन और स्वेदन हितकारी होता है। अभी भगवान का कोई प्रेयर कर दीजिए प्लीज। वीना मैम आप करेंगी भगवान का प्रेयर। नीति शतक में भर्तृहरि ने कहा है, संतप्त अयसि संधितस्य पयसो नामपि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितं राजते स्वातो सागर शुक्ति संपुटगतं तज्जायते मौक्तिकं प्रायेण अधमो मध्यमोत्तम गुणः संवासतो जायते। सहवास से इसका मीनिंग है कि एक पानी का बूंद संतप्त तप्त आयस पर या लोहे पर गिर गया
तो उसका आयुष्य ही नहीं रहता। वही बूंद पानी का नलिनी पत्र पर गिर गया तो वो मुक्ताकार दिखता है, मगर स्वाति नक्षत्र में यही पानी का बूंद शराब संपुट में गिर गया तो उसका मोती होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आयुष दर्पण के साथ भी हर एक का मोती शराब संपुट में, क्योंकि सहवास का परिणाम बहुत होता है। सबको आयुष दर्पण के सब फैमिली को मेरा प्रणाम। अभी आप लोग ने देखा, वीना मैम ने कितना बढ़िया हिंदी बोला, कितना अच्छे से अर्थ भी बताया, कितना अच्छा एकदम। तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है वीना मैम, थैंक यू थैंक आपको। हाँ तो अभी हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। 7 बजे जो लेक्चर होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और वो अलग होता है, हर रोज नया टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो हम शाम को 7 बजे मिलते हैं, आप लोग 7 बजे वाला लेक्चर जरूर अटेंड करिए। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। आप लोग का दिन शुभकारी हो। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। मैम।